प्यार क्या होता है। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे एक बहुत ही ज्ञानी प्रोफेसर डॉक्टर मुकुल जोशी ने हमारे क्लास में कहा था कि प्यार वो इमोशन है जिसके होने पे हमें ये महसूस होता है कि हम सामने वाले के इंसान को जितने तरीके से हो सके उतने तरीके से छुए। वी वुड वॉन्ट टू टच द अदर पर्सन इन एज मैनी वेज एज पॉसिबल। इतनी सुंदर परिभाषा के बावजूद बहुत सारा कन्फ्यूजन रह जाता है। जब हम कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता तो क्या वो प्यार है? जब हम कहते हैं मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ तो क्या वो प्यार है? जब हम कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए किसी को मार भी सकता हूँ तो क्या वो प्यार है? या फिर जब हम कहते हैं कि तुम अगर किसी और से प्यार करोगी तो बहुत मुश्किल होगी, क्या ये प्यार है? अगर आप प्यार का विश्लेषण गहराई से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्यार ये या वो नहीं होता, प्यार के अलग अलग किस्म होते हैं, अलग अलग टाइप्स, और उन्होंने कई तरीके के प्यार को आइडेंटिफाई किया है जिसका विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। योर सर्वाइवल मॉडल ने हर तरीके के प्यार को एक हायरार्की में प्लेस किया है, यानी कि मेरी समझ के अनुसार सबसे निचले स्तर के प्यार से लेके मैंने इसे अरेंज किया है सबसे ऊंचे स्तर के प्यार तक। तो आइए समझते हैं प्यार की हायरार्की क्या है। सबसे निचले स्तर का प्यार है पोजेसिव लव, जिसमें जो लवर है उसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है। उसे लगता है मैं जिसे प्यार करता हूँ वो मेरा है, सिर्फ मेरा, किसी और का होना ही नहीं चाहिए। उस इंसान को किसी और से बात नहीं करनी चाहिए, किसी और से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। वो अपने प्रेमी को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। इंसान ये सोचता है कि अगर ये प्रेमी मुझसे छूट गया तो फिर मेरी ज़िंदगी के मायने कम हो जाएंगे, अगर मेरा प्रेमी मुझसे अलग हो गया तो फिर मेरी वैल्यू कम हो जाती है, तो फिर मैं एक बेकार इंसान हूँ, इसलिए मुझे किसी भी तरीके से अपने प्रेमी को अपने पास बांधे रखना है। ये वही लोग हैं जो अपने प्रेमी का व्हाट्सएप चेक करते हैं, जो उनके फ़ोन को हैक करने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने प्रेमी को कहते हैं अपना लोकेशन शेयर करो। इन लोगों को लगता है कि प्रेमी के बगैर इनकी ज़िंदगी बेकार है, इसलिए ये प्रेमी की ज़िंदगी को, उनके चॉइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर प्रेमी इनकी बात नहीं माने तो ये प्रेमी को किसी ना किसी तरीके से पनिश करते हैं, डांटेंगे, झगड़ा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, मारपीट भी कर सकते हैं, ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने प्रेमी के सेल्फ एस्टीम को तोड़ देते हैं ताकि प्रेमी उनको छोड़ के किसी और के पास नहीं जाए। ये लोग ऐसे क्यों हैं? शायद वो इसलिए क्योंकि इन लोगों ने प्यार में धोखा खाया है। शायद वो इसलिए क्योंकि इनको ज़िंदगी में अलग अलग बार चीट किया गया है, इसलिए इनको भरोसा नहीं है कि दूसरे लोग इनके साथ वफादार बने रहेंगे। ये यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे हमको चीट कर सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। पोजेसिव लव से थोड़ा बेटर लेकिन फिर भी खूब ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है गेम प्लेइंग लव। जो लोग गेम प्लेइंग लव स्टाइल को फॉलो करते हैं उनकी एटीट्यूड बहुत ज़्यादा अवसरवादी होती है, यानी कि वो अपने प्रेमी को एक सामान, एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक सर्विस प्रोवाइडर के जैसा ट्रीट करते हैं। वो एक साथ दो या तीन लवर्स को भी रख सकते हैं, दो तीन अलग लोगों को डेट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि कभी वो किसी से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी किसी और के साथ मज़े लेना चाहते हैं। इन लोगों के लिए अपना पर्सनल बेनिफिट ज़्यादा ज़रूरी है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपने खुद के फ़ायदे के लिए अगर इनको प्रेमी को झूठ बोलना पड़ेगा फिर भी ये बोलने को तैयार हो जाएंगे, अगर इन्हें प्रेमी को चीट करना पड़ेगा फिर भी ये चीट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये समझते हैं कि सामने वाले इंसान के पास से फ़ायदा लेना मेरा हक है। ये सामने वाले इंसान के इमोशंस को उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। जो लोग प्यार के प्लेयर्स हैं उनसे बेहतर लव है उन लोगों का जो अनरिक्विटेड लव रिलेशनशिप में रहते हैं,
ये वन साइडेड लव रिलेशनशिप में रहते हैं, या तो ये किसी एक ऐसे इंसान के साथ अटैच्ड है जो उनसे प्यार करता ही नहीं है, उनका रिलेशनशिप स्टेटस वो कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड है। ये वो लोग हैं जो प्यार में ज़्यादा दे रहे हैं और बहुत कम ले रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि ये लोग मानते हैं कि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, इनकी अपनी सेल्फ एस्टीम कम होती है, कॉन्फिडेंस कम होता है, इन्हें लगता है कि प्रेमी बहुत ख़ास है, बहुत महान है, उनके ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहा है कि प्रेमी उनको डेट कर रहा है। ये लोग जो अनरिक्विटेड लव यानी कि वन साइडेड लव में फंसे रहते हैं, ये वो लोग हैं जो प्यार में बहुत कुछ देते हैं और प्रेमी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। प्रेमी ने अगर उनके व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया तो टेंशन में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। प्रेमी कुछ भी अगर उनसे बुरा कह दे तो कम्प्लीटली डिप्रेस्ड हो जाएंगे। हर चीज़ के लिए प्रेमी से वैलिडेशन मांगते रहते हैं, क्या मेरी ड्रेस ठीक है, क्या मैंने ये काम ठीक किया, उनके लिए एक्सेसिव करेंगे और वैलिडेशन मांगते रहेंगे। ये वन साइडेड लवर्स के साथ जो लोग अटैच्ड हैं वो धीरे धीरे वन साइडेड लवर्स को अहमियत नहीं देते। उनको लगता है ये वन साइडेड लवर्स के साथ रिलेशनशिप बनाए रखना बहुत मेहनत का काम है क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड हो जाते हैं। अब आप इस चीज़ को ऐसे देखिए कि अगर कोई इंसान आपसे भीख मांगेगा तो क्या आप उससे दोस्ती कर लेंगे? उस भिखारी से नहीं करेंगे ना। अगर हम रिलेशनशिप में ये कहेंगे कि प्लीज़ मुझसे प्यार करो, तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, तुम्हारे बगैर मेरे पास कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं, मैं बहुत दुखी इंसान हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, इसलिए प्लीज़ तुम मुझसे प्यार करो, तो फिर हमें रिटर्न में प्यार नहीं मिलेगा। हाँ, सद्भावना मिलेगी, चैरिटी मिलेगी, सिंपथी मिलेगी, प्यार नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। अगर रिलेशनशिप बन भी जाता है क्योंकि आप अपनी सैड स्टोरी लेके सामने वाले इंसान के पास गए, लेकिन फिर भी उस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं होगा, वो रिलेशनशिप में आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा और रिलेशनशिप बहुत जल्दी टूट जाएगा। ये जो वन साइडेड लव रखने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें बार बार चीटिंग का सामना करना पड़ता है। वन साइडेड या अनरिक्विटेड लव से ऊपर की कैटेगरी में है पैशनेट लव। ये वही प्यार है जिसकी तलाश में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा युवा लगे हुए हैं। ये वो प्यार है जिसे होने पे आपके दिल और दिमाग में घंटियाँ बजने लगती है। पैशनेट लव के बारे में फिल्मों में, किताबों में, गानों में सब जगह लिखा हुआ है। ये वो प्यार है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग शारीरिक आकर्षण जुड़ा हुआ है। आप सामने वाले व्यक्ति को जितने तरीके से हो सके कंज्यूम करना चाहते हैं। उसकी एक झलक देखने पे आपको करंट लगने लगता है, उसकी आवाज़ सुनने से आपके कान में म्यूज़िक बजने लगता है, अगर आप उसकी परफ्यूम को सूंघ ले तो फिर आप खुश हो जाते हैं। वो जो परफ्यूम लगाता है आप घंटों तक उसी परफ्यूम को सूंघ सकते हैं। उसको छूने से आपके दिल और दिमाग में करंट बहने लगता है। हर कोई इस तरीके के हाईली अराउजिंग प्यार में होना चाहता है। पैशनेट लव में जब इंसान होता है तब इंसान का मस्तिष्क एक हैवी ड्यूटी काम कर रहा है, यानी कि ओवर टाइम पे काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूरोकेमिकल्स रिलीज़ कर रहा है। इस तरीके से हाई पावर न्यूरोकेमिकल्स रिलीज़ कर पाना दिमाग के लिए लंबे समय तक पॉसिबल नहीं होता। इसलिए पैशनेट लव एक सीज़न या एक पीरियड के बाद नीचे गिर ही जाता है, और जब पैशनेट लव नीचे गिर जाता है तब अचानक से इंसान को लगता है क्या ये वही इंसान है जिसके लिए मैं इतना पागल हुए जा रहा था। इंसान तो वही है लेकिन इमोशंस गायब हो जाते हैं। रीज़न ये है क्योंकि आपका ब्रेन हमेशा पैशनेट लव में बने नहीं रह सकता। बहुत सारे लोग पैशनेट लव का जो न्यूरोकेमिकल हाई है, जो एक्साइटमेंट है, उसे बार बार पाना चाहते हैं, इसलिए बार बार एक रिलेशनशिप में जाते हैं, पैशनेट लव को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे ही रिलेशनशिप बोरिंग बन जाए उस रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं, कहते हैं इट्स नॉट वर्किंग बिटवीन आस, आई डोंट सी दैट स्पार्क एनी मोर, और फिर रिलेशनशिप को तोड़ देने के बाद एक नए रिलेशनशिप में जाते हैं। कई सारे लोग पैशनेट लव के एडिक्शन में भी फंस सकते हैं।
पैशनेट लव में एक और प्रॉब्लम ये है कि इंसान को हमेशा डर लगता है कि ये इंसान जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ, अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। पैशनेट लव से बेटर लव, वो लव जिसके लिए हम सभी को कोशिश करनी चाहिए, वो है कंपेनियनशिप लव। कंपेनियनशिप लव दो लोगों में तब होती है जब दो लोगों के बीच में सेक्सुअल अट्रैक्शन, शारीरिक आकर्षण तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती भी है। दोनों साथ मिलके बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो उनको पसंद आते हैं, जैसे कि हाइकिंग पे जाना, उनकी हॉबी सेम है, वो साथ मिलके खाना बनाते हैं, गाना गाना पसंद करते हैं, या किताबें उनको एक ही किस्म के ऑथर्स के या एक ही जॉनर की किताबें उनको पसंद आती हैं, एक ही तरह की फिल्में उन्हें पसंद आती है, उनकी पॉलिटिकल ओपिनियंस शायद से एक जैसे हैं। कंपेनियनशिप लव में जो लवर्स होते हैं वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट तो करते ही हैं, वो एक दूसरे की भलाई की भी बहुत चिंता करते हैं। कंपेनियनशिप लव में जब झगड़े होते हैं तब दोनों ही लवर्स को पता होता है कि ये झगड़ा फाइनल नहीं है, इस झगड़े के वजह से हमारा रिलेशनशिप नहीं टूट जाएगा। झगड़ा होने के बावजूद वो एक दूसरे की केयर करते रहते हैं, उन्हें पता है कि रिलेशनशिप में झगड़ा सिर्फ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो एक टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए है और समय के साथ वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन प्यार बना रहेगा। सबसे महान और सबसे उत्तीर्ण किस्म का प्रेम है सेल्फलेस लव। सेल्फलेस लव जहाँ पे इंसान का पूरा फोकस इस बात पे होता है कि मैं अपने प्रेमी को क्या दे सकता हूँ, उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि मुझे प्यार में क्या मिलने वाला है, वो हर वक्त यही सोचता है कि मैं अपने प्रेमी की ज़िंदगी बेहतर कैसे बनाऊं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जिससे प्यार करता हूं उसे ज़्यादा खुशियां मिले, उसकी ज़िंदगी में ग्रोथ आए, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जिससे प्यार करता हूं उसकी सर्वाइवल बढ़े, खुशहाली बढ़े। ये एक तरीके का डिवोशन है, एक तरीके की भक्ति है। इस पे आप सोचते होंगे कि साधारण लोगों के लिए इस तरीके का प्यार करना तो असंभव है। गलत। इस तरीके का प्यार हर इंसान करता है। इनफैक्ट हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी इस तरीके का प्यार करता ही है, एस्पेशली तब जब वो अपने खुद के बच्चे से प्यार करता है। आप देखिए, आपके माता पिता आपसे कहीं पे सेल्फलेस प्यार ही तो करते हैं, उनका सारा फोकस इस बात पे होता है कि मेरा बच्चा किस बात से खुश होगा। वो खुद कम खाएंगे लेकिन आपकी थाली में ज़्यादा खाना रखेंगे, जो चीज़ आपको पसंद है और उनको पसंद है वो चीज़ वो खुद ना लेके आपको दे देंगे। उनका प्यार सेल्फलेस है, वो सोचते हैं कि आपकी सर्वाइवल लंबे से लंबे टाइम तक खिंचनी चाहिए, वो चाहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा जिए। अब आप कहेंगे कि सेल्फलेस लव शायद हम हमारे रिश्तेदार, माता पिता या भाई बहन या बच्चों से कर सकते हैं, लेकिन किसी और से सेल्फलेस प्यार करना कैसे संभव है? संभव है। एक बार भगवान कृष्ण की तबीयत बहुत ख़राब थी। गुरुजनों ने कहा भगवान कृष्ण को अगर कोई भक्त या उनके प्यार करने वाला अपने पैरों से धुला हुआ पानी, चरणामृत उनको दे, तो फिर उस चरणामृत को पी लेने के बाद भगवान कृष्ण ठीक हो जाएंगे। तो दिक्कत क्या थी? भगवान कृष्ण के आसपास उनके गांव में तो सारे लोग उनसे प्यार करते थे, कोई भी उनको चरणामृत दे देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब लोगों को पता चला कि कृष्ण को चरणामृत चाहिए, उनके पैरों के धुला हुआ पानी, तो सारे लोग डर के दूर होने लगे, क्योंकि अगर कोई भगवान कृष्ण को चरणामृत देगा तो वो इंसान तो नरक में ही पहुंच जाएगा ना। लेकिन जब ये बात राधा रानी को पता चली तो वो छूटते छूटते दौड़ते दौड़ते कृष्ण के पास जा पहुंची। उनके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि कृष्ण ठीक हो जाए, वो इस बात पे फोकस नहीं कर रही थी कि वो नरक में जाएंगी या स्वर्ग में जाएंगी, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था। कृष्ण को अपनी तकलीफ से छुटकारा दिलाना है, यही उनके दिमाग में चल रहा था। ये भक्ति भाव इंसान अपने प्यार में जब दिखाता है तब वो एक साधारण इंसान नहीं रह जाता, तब वो एक भक्त बन जाता है, तब वो एक उत्तीर्ण इंसान बन जाता है, तब वो ऐसा इंसान बन जाता है कि भगवान भी मजबूर हो जाए उससे प्यार करने के लिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, और अगर पसंद नहीं आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमको एक और मौका दे सके, ताकि हम आपको इम्प्रेस कर सके किसी और वीडियो से। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद। कि मुझे प्यार में क्या मिलने वाला है।